जुनैद नीट आईआईटी एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक। अभी जैसा कि रिजल्ट आया है नीट का, JEE का, एपसेट का, जैसा कि आप सब उसको पहले एमसेट के नाम से जानते थे, उसका रिजल्ट अभी रिलीज हुआ है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक हमारे पास डेटा आया है, 70+ स्टूडेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 500+ स्कोर कर चुके हैं, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। और JEE के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स हैं 30+ जो IIT जाने की इस साल अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं। कोई IIT हैदराबाद के लिए सिलेक्ट हुआ, कोई IIT खड़गपुर के लिए सिलेक्ट हुआ, तो कोई IIT रोरकी वगैरह इंशाल्लाह वो लोग जाएंगे। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे एपसेट के अंदर हैं अनगिनत, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड भी आती है, मेडिकल बैकग्राउंड भी आता है, और इंजीनियरिंग फील्ड भी आती है। उसमें कई सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं, जिसके अंदर 900, जैसे कि जवाद है उनका 900 रैंक है, और नंदिनी है जिनका अल्हम्दुलिल्लाह 2100 रैंक है, और नितिन है जिनका 4000+ उनका रैंक है, और कई सारे ऐसे बच्चे जिनका बिलो 10,000 रैंक आया, बिलो 20,000 रैंक आया, और इंजीनियरिंग के अंदर एक से एक फील्ड लेने के लिए वो लोग इस साल तैयार हैं। तो और अब मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूं कि जिनको किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो पढ़ाई में कुछ कमी हो या फिर आप लोगों में जो है रूटीन का फॉलो नहीं करना हो, जिसकी गलती की वजह से इस साल अगर रैंक नहीं आया, तो आप लोग उदास मत होइए और बेहतर से बेहतर इस साल तैयारी करिए। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। लॉन्ग टर्म करिए या फिर शॉर्ट टर्म करिए। मैं तो कई सारे ऐसे बच्चों को देखा हूँ, मेरे पास खुद कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो शॉर्ट टर्म के अंदर 40 से 45 दिन के अंदर इतनी ज़बरदस्त तैयारी करें, और आज वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं फ्री सीट लेकर अपना जो है मुस्तकबिल बना रहे हैं। तो आप सभी से भी यही गुजारिश है कि अपने वक्त की अहमियत को समझें और अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा अच्छा फोकस करें। ऑल द बेस्ट उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल अपने आगे की जर्नी को शुरू करने वाले हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो नहीं कर सके, तो इस साल वो लोग अपना वक्त लगाएं। अगर जिनका एम स्ट्रांग है, जिनका टोटल जिनका पढ़ना ही अगर एम है, आगे जो भी उनके स्टडीज़ हैं उसमें अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट दीजिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।